एक्शन। सॉरी सर, हम आपकी बात नहीं मान सकते। सर ये आदमी विनोद झूठ बोल रहा है। सर हम लोग कस्टमर को भगवान मानते हैं, उनकी एक भी शिकायत का मौका तक नहीं देते सर। अब सर ये बात किचन से लेके हमारे पूरे मैनेजमेंट तक सभी लोग फॉलो करते हैं सर। आपके कहने पर सर हमने इसको दोबारा अपने होटल में जगह दिया, लेकिन सर ये अपनी बात पे जिद पड़ा हुआ है कि यहाँ पे कोई कमरा नंबर 322 है। अब सर आप ही बताइए कि हमारा होटल का बिजनेस है, अगर हम ही होटल के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा होटल कैसे चलेगा? अब सर आप ही बताइए कि हम सेकेंड फ्लोर के होटल में थर्ड फ्लोर का नंबर कैसे बुक कर सकते हैं? सर इस आदमी की वजह से हमारा और हमारा होटल दोनों का नाम खराब हो रहा है। सर यहाँ पे होटल में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जो हमारे पर्सनल गेस्ट हैं उनसे शिकायत कर रहे हैं, और तो और ये होटल में कभी इधर तो कभी उधर, कभी इस फ्लोर पे तो कभी उस फ्लोर पे घूम रहे हैं। अब सर ओके सर ठीक है। अरे यार साला तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता है। साला सब तुम लुढ़िया गए हो। और मैनेजर चाचा आपको कितनी बार कहे हैं कि यहाँ होटल पे हंगामा मत खड़ा करिए, लेकिन आप मानते नहीं हैं, हर बात में गुस्सा करने लगते हैं। ये बाबूजी का समय नहीं है, ये हमारा समय है, आपको हमारे हिसाब से काम करना है। और तुम बे सुनीलवा साले तुम क्या कर रहे थे बे? साले दिन भर गांजा पी के लुढ़ियाए रहते हो। साला खाते तुम हमारा है पर काम भी हमारा बिगाड़ोगे। एक बात तुम लोग सुन लो, इसके बाद भी अगर एक भी काम गलत हुआ तो तुम सबको ही जिंदा दफन कर देंगे, समझे? जाओ।